अच्छा लकी था तभी IIT में एडमिशन हो गया है। ओहो इसकी अमेजोन में प्लेसमेंट लग गई। लकी था भाई, इससे वही सवाल पूछे जो इसने प्रिपरेशन के समय करे थे। लकी था। तो एक गांव में एक अम्मा रहती थी, उनका नाम था सक्कू बाई। वो क्या करती थी, वो लोगों के घरे में जाकर खाना बनाया करती थी, या फिर आप कह सकते हैं टिफिन बनाया करती थी। उनका एक बेटा भी था जो उनके हस्बैंड थे वो इलेक्ट्रिशियन थे। तो एक बार क्या होता है, एक दिन की बात है, सक्कू बाई अपने गांव के सबसे अमीर घर में जाती हैं खाना बनाने के लिए। तो जो उनका बेटा था ना, वो क्या करता है, उसी घर के ना न्यूज़पेपर को पढ़ने लगता है। तो उधर की मालकिन आकर कहती हैं कि सक्कू बाई के बेटे तुम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ रहे हो। तो सक्कू बाई का बेटा कहता है कि हमारे पास ना किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए या फिर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम एक न्यूज़पेपर खरीद सकें, तो इस वजह से ही मैं आपका न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। तो इस बात को सुनकर जो मालकिन होती है ना, वो काफी ज्यादा हंसती हैं और कहती हैं कि सक्कू बाई के बेटे न्यूज़पेपर पढ़कर क्या होगा, तुम्हें भी बड़े होकर अपने माँ की तरह ही काम करना है और लोगों के घर में जाकर खाना बनाना है, तो इससे बढ़िया है कि तुम अपने माँ का हाथ बटाओ। तो ये बात सुनकर ना सक्कू बाई को ना काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सक्कू बाई वहां से चली जाती हैं और सक्कू बाई अब तय कर लेती हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगी और अपने बेटे को ऑफिसर बनाऊंगी। अब क्या होता है, सक्कू बाई अपने काम को बढ़ाती हैं और वो क्या करती हैं, अब शादियों में जाकर खाना बनाना लग जाती हैं। होता क्या है, वो 15 किलो 20 किलो का भी खाना बना लेती हैं। धीरे धीरे सक्कू बाई मेहनत करती हैं और उनके बेटे को ना पढ़ाती हैं। अब होता क्या है, जो गांव के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं उनकी नजर में सक्कू बाई का बेटा आता है। वो सक्कू बाई के बेटे को दिल्ली पढ़ने के लिए भेज देते हैं अपने पैसों पर। अब सक्कू बाई का बेटा वहां पर दिन रात पढ़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है। आखिरकार उसका एग्जाम का दिन आ जाता है, परीक्षा का दिन आ जाता है। उसका सुबह 9 बजे एग्जाम होता है, वो अपने घर से 8 बजे एग्जाम के लिए निकलता है। 8:30 बजे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो उठकर देखता है कि उसके पूरे शरीर से खून बह रहा है, जो उसका लेफ्ट हाथ है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है, उससे काफी ज्यादा खून बह रहा है, उसके सर से खून बह रहा है। वो उठकर अपनी कंडीशन देखता है। अब वो देखता है कि उसका जो राइट हाथ है ना, वो बिल्कुल सलामत है, तो वो अपना पेपर आसानी से लिख सकता है। अब उसके पास दो रास्ते थे यहाँ पर, कि वो पेपर छोड़ दे और हॉस्पिटल चला जाए, या फिर दूसरा रास्ता था कि पहले वो अपना पेपर दे क्योंकि उसका राइट हाथ बिल्कुल सलामत था, फिर वो हॉस्पिटल में जाए। उसने सोचा कि अगर आज मैं पेपर देने नहीं जाता हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे 1 साल बाद ये पेपर दोबारा देने का मौका मिलेगा, मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो वो क्या तय करता है, वो पेपर देता है अपने राइट हाथ से। पूरे पेपर के दौरान उसका खून बहरा होता है। पेपर देने के तुरंत बाद ही वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है और उसका पेपर क्लियर हो जाता है, बहुत ही अच्छी रैंक से उसका पेपर क्लियर हो जाता है। फिर उसकी पेपर के बाद उसका इंटरव्यू भी होता है, वो अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता है और वो इंटरव्यू भी क्रैक कर लेता है और वो ऑफिसर बन जाता है, वो IPS ऑफिसर बन जाता है। तो सब बहुत खुश थे, पर होता क्या था, कुछ लोग आते थे सक्कू बाई के बेटे के पास और उनसे कहा करते थे कि तुम्हारा लक है, तुम काफी लकी हो कि तुम पहली अटेम्प्ट में ही IPS ऑफिसर बन गए, तुम्हारे घर की कंडीशन इतनी खराब है तब भी तुम पहली अटेम्प्ट में IPS ऑफिसर बन गए। पर सक्कू बाई का बेटा कुछ नहीं कहता था, बस वो हंस दिया करता था। पर इस पर आप खुद सोचिए कि अगर आपका 9 बजे पेपर हो, आप 8 बजे अपने घर से निकल रहे हो, 8:30 बजे आपका एक्सीडेंट हो जाता हो, ब्रूटली आप इंजर्ड हो जाते हो, आपके सर से खून बह रहा है, आपका लेफ्ट हैंड डिस्ट्रॉय हो चुका है, आपका राइट हैंड सलामत है, आप देखते हैं कि मेरे पास दो चॉइस है, क्या मैं हॉस्पिटल जाऊं या फिर मैं अपना राइट हैंड से, मेरा राइट हैंड सलामत है तो मैं राइट हैंड से पेपर दूं। आप राइट हैंड से पेपर देते हो, बाद में आप हॉस्पिटल जाते हो। तो गाइज लक को आपके साथ आना पड़ेगा, लक के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लक हैज टू कम विद यू। और अब आप सोच रहे होंगे कि उस सक्कू बाई के बेटे का नाम क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रियल स्टोरी है, उस सक्कू बाई के बेटे का नाम था सैफिन हसन, द यंगेस्ट IPS ऑफिसर ऑफ इंडिया सैफिन हसन। तो अगर आपको पूरा इंटरव्यू देखना है सैफिन हसन का, ये शॉर्ट स्टोरी थी ऑन द लाइफ ऑफ सैफिन हसन, अगर आपको पूरा इंटरव्यू देखना है सैफिन हसन का, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
तब तक के लिए बाय बाय।